सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, एंड आज के सेशन में हम लोग वोकैबुलरी का पार्ट थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो भी अभी तक आपको सेशंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपने उनको अच्छे से देखा होगा, उनको रिवाइज करा होगा, तभी वो चीज़ें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रिगार्डिंग कोर्स मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो कि फुल फ्लेजेड रेवेन्यू के एग्ज़ाम को ही दिमाग में रख के बनाया गया है, ठीक है। हर चीज़ आपको इसमें थोरोली कवर्ड मिलेगी, और जो भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन आस्क दैट ऑन पर्टिकुलर नंबर, दैट इज 7837773651। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे जो इस क्लास का पर्पस बेसिकली ये रहेगा, ठीक है, कि आई नो कि यहाँ पे आपको इसी स्लाइड में आंसर्स मिलेंगे, बट द रीज़न इज कि मुझे आपको यहाँ पे इन वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ बाकी वर्ड्स भी या फिर उनके सिनोनिम्स भी आपको बताने हैं, ठीक है, राइट। और जो भी आपको वर्ड्स नहीं आते हैं या जो भी आपको लगता है कि आपने पढ़े हैं, तो उनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है, कोई बताएगा ऑप्शंस में, अभी आपको आंसर दिख रहा है आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे हम बोल सकते हैं रूड, यहाँ पे इसने केयरलेस लिखा हुआ है, ठीक है, बट वही बात हो गई जो थोड़ा सा रूड है, ठीक है, जो यू कैन से अच्छा वो थोड़ा सा अलग चला जाएगा वर्ड, बट आप इसको इम्प्रूडेंट को मत, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा रूखा व्यवहार का, ड्राई इन नेचर, राइट। एंड इन ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना कई बार कैसा होगा कि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट आपको जो चार ऑप्शंस दे रखे होंगे उन्हीं में से एक रेलिवेंट आंसर चूज करना होगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग दीज फोर, है ना। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, ना कि राइट वन, और वह आपको मिलेगा भी नहीं, तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इम्प्रूडेंट को आप कैसे इनमें से रिलेट, इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा एटलीस्ट, है ना, इमीडिएट भी नहीं होगा, प्रिंसिपल भी नहीं होगा, सो केयरलेस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। रूड इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनएडवर्टेंट। अगर आपको एडवर्टेंट का मीनिंग पता है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टेंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा यू कैन से वर्ड ही दिमाग में नहीं आ रहा, इंटेंशनल, ठीक है। एडवर्टेंट का मतलब होता है इंटेंशनल, डेलिब्रेट, ठीक है। और डेलिब्रेटली, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, इसके लिए ईडीएम है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है इंटेंशनली, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इग्नोरेंट पता है आपको, ठीक है, अनइंटेंशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इन, और इन अगर रूट वर्ड में लग जाता है कहीं, इसका मतलब होता है नो, ठीक है। एडवर्टेंट का मतलब होता है आपका डेलिब्रेट, और इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, ठीक है, नोट डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड का मतलब होता है इंटेंशनली किसी चीज को करना। जेनिथ का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? जेनिथ के बाकी वर्ड्स भी देखिए, एक्मे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समिट, जिसको हम बोल सकते हैं पीक, जिसको हम बोल सकते हैं कल्मिनेशन, पीक पॉइंट, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं टॉप, ओके, और पिनेकल काफ़ी अच्छा वर्ड है इसके लिए, जो हमें लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पे, पिनेकल, ठीक है। सो ऐसे ही आपको इनको याद करना है, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जब दो चार बार आपके दिमाग से वो वर्ड्स क्रॉस होंगे तो अपने आप वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। जेनिथ का मतलब होता है एक्मे, समिट, पीक, कल्मिनेशन, टॉप या फिर पिनेकल, ओके, पिनेकल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। रियलिटी नहीं होगा, होप नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा जिंदा दिल इंसान, काफ़ी खुश, जिनाइल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मर्की, जो काफ़ी खुश रहता है, काफ़ी ज़्यादा जुबिलेंट, काफ़ी ज़्यादा
यू कैन से जोली, और आप इसको बोल सकते हो जोंटी। जोंटी का मतलब भी होता है काफ़ी खुश रहने वाला, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटैटिक, एक्सटैटिक। इसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है रैप्चरस या रैप्चर, है ना। रैप्चर का मतलब ही होता है खुशी, एक्सटैटिक, यूफोरिया भी आप इसके लिए रख सकते हो। अब आप बोलोगे सर इतने वर्ड याद कैसे करेंगे, देखिए अल्टीमेटली याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इनको बार बार देखोगे तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली याद होंगी, ठीक है। इनका और कोई भी अल्टरनेट नहीं है आपको, आप अगर बोलो कि सर कैसे और कोई तरीका होगा, नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू गिव टाइम और इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो कॉर्डियल से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं इनको आप लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड वर्ड्स हैं ये, काफ़ी एग्जाम्स में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। जेनाइल हो गया, मर्की हो गया, जुबिलेंट हो गया, जोली हो गया, यूफोरिया, जोंटी, एक्सटैटिक, रैप्चर। रैप्चर हमने पढ़ा भी है, है ना। अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, ये मैंने नहीं, इसका मीनिंग होता है वैसे ग्री, ग्री वर्ड का मतलब ही होता है ग्रुप, ग्री रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ग्रुप, ये ग्रुप में रहना पसंद, ठीक है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रेगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एक होता है एग्रेजियस, इसमें भी ग्री वर्ड आ रहा है, बट ये वो लोग होते हैं जो ग्रुप से हटके रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ग्रुप से हटके। प्रिकेरियस का मतलब होता है जोखिम, ठीक है, प्रिकेरियस का मतलब होता है जोखिम, जिसको हम बोल सकते हैं हजार्डवस, ठीक है। और पैरिल, पैरिल का मतलब भी होता है जोखिम, ठीक है, या पैरिलस, ठीक है, पैरिलस का उसको नाउन बनाओ, ओके। एंटागनिस्टिक का मतलब होता है काफी ज्यादा एंग्री, हम इसको कई बार बोल देते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिशन की सेंस में भी ऑपोजिशन, ठीक है। तो एंटागनिस्टिक मतलब एंटी, इसको ऐसे याद कर लो, एंटागनिस्टिक एंटी, विरोधी है वो, तो गुस्सा रहेगा डेफिनेटली, है ना। तो कॉर्डियल का मतलब हो गया ऑप्शन सी ग्रीगेरियस। बाकी जो भी हमने वर्ड्स पढ़े इनको आप याद करने के लिए कहीं पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है स्पॉटलेस, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉलेस, या फिर इसको फॉल्टलेस, कोई भी गलती नहीं होना, फॉल्टलेस, ठीक है। तो इम्पेकेबल का मतलब हो गया अचूक, इम्पेकेबल ब्यूटी, फ्लॉलेस ब्यूटी, राइट, स्पॉटलेस ब्यूटी, जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, ना, फॉल्टलेस, ओके। इसमें कौन सा, हाँ ये फ्लॉलेस इसमें दे रखा है, फ्लॉलेस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अपराइट का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फर्म भी इसको हम कई बार बोलते हैं, फर्म, एकदम स्ट्रॉन्ग, है ना, अपराइट। हार्मलेस, इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस को आप याद रखेंगे इनोसेंट से रिलेट करके, कि इनोसेंट लोग जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है इसको, प्लीज इसको ना आप लिख लो कहीं पे, इनो बार बार ये वर्ड रिपीट होता है, इसका मतलब होता है हार्मलेस। तो इज इट क्लियर, इनोफेंसिव आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डिलीजेंट। देखिए क्लास छोटी रहेगी बट आपको इसमें सफिशियंट कंटेंट मिल जाएगा, वैसे तो टाइम वेस्ट करना हो तो हम 20, 25, 30 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, ना, देयर इज नो लिमिट, बट अगर पढ़ना है तो 20, 25 मिनट की क्लास वोकेबलरी के लिए काफ़ी होती है, और अगर 15, 20 मिनट की क्लास भी होती है तो उसमें भी सफिशियंट वोकेबलरी के वर्ड्स याद कर सकते हो, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस, जो पेनस्टेकिंग होते हैं, पेनस्टेकिंग मतलब, पेन्स टेकिंग का मतलब होता है जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, पेन्स टेकिंग, नोट पेन नहीं आएगा, पेन्स टेकिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा हम लिख सकते हैं यहाँ पे एसीडुअस, है ना, एसीडुअस लोग, एसीडुअस मतलब काफ़ी मेहनती, और आप लग सकते हो आर्डुअस, आर्डुअस भी मेहनती होते हैं, ठीक है, एक मिनट, आर्डुअस, ठीक है, क्या हो रहा है इसको, ठीक है, आर्डुअस हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, पेन स्टेकिंग, असीडुअस, इस एक और वर्ड लेबोरियस, लेबोरियस है ना, जो लेबर होती है काफ़ी मेहनती होती है, ठीक है, लेबोरियस हो गया। और डिलीजेंट को याद करने का तरीका है, जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो एजेंट है काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी भागम भाग वाला काम करते हैं, ठीक है, सो डिलीजेंट मतलब मेहनती, राइट, इंडस्ट्रियस, पेन स्टेकिंग, असीडुअस, एक टॉयलसम करके आता है, टॉयल वर्ड मतलब इसका होता है मेहनत, टॉयलसम, ठीक है, टॉयलसम का भी मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, राइट।
पता चल गया होगा आपको अभी तक। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, जिसको हम बोलते हैं सलेन, या फिर स्टिफ नेकेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो सलेन हो गया, स्टिफ नेकेड हो गया, वैनिटी या वैनिटी या वेन है ना, वेन या वैनिटी एक ही बात है, बट मतलब डेफिनेटली पार्ट ऑफ स्पीच में फर्क है, बट मीनिंग दोनों का सेम है, वेन और वैनिटी, घमंडी, ठीक है। सोलन हेडेड इसको बोलते हैं, सोलन हेडेड का मतलब ही होता है घमंडी, राइट। तो ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, ओके। चलिए, इनफर्म का मतलब क्या होता है, इनफर्म, फर्म का मतलब होता है मजबूत, इनफर्म का मतलब होता है कमजोर, एक काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए फ्रेजाइल, फ्रेल, वीक, थिन, फ्लिमजी, राइट। सो द ओनली वे, आप सोचोगे कैसे मुझे याद है, बिकॉज इनको बार 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 आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी भी मुझे जो मैंने पर्सनल नोट्स हैं उनको मुझे बार 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 रिवाइज करना पड़ता है टाइम के साथ में, तो ही वो चीज़ें याद रहती हैं, बिकॉज वोकैबुलरी को याद रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम के बाद वो चीज़ें डेफिनेटली आपको याद रहेंगी, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, ओके। तो इनफर्म का मतलब हो गया वीक, अनस्टेडी नहीं होगा, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, टिमिड का मतलब होता है फियरफुल, इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है, इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा हमारा इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है, और ऑडेशियस काफी अच्छा वर्ड है, ऑडेशियस मैंने कैसे याद करा है कि जब हम या कोई भी ऑडिशन देने जाता है तो ऑडिशन देने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ऑडेशियस का मतलब होता है काफी ज्यादा बोल्ड, काफी ज्यादा इंट्रेपिड, फियरलेस, ठीक है, फियरलेस, इज इट क्लियर, इंट्रेपिड, बोल्ड, ऑडेशियस, राइट, और बाकी तो ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब होता है डीप थिंकिंग, ठीक है, और इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है कंटेम्पलेटिव, ठीक है, इसको हम कई बार ना प्रोफाउंड से भी मतलब आपको मिलेगा कई बार वर्ड्स में लिखा हुआ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, है ना, तो मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि डायरेक्टली आपको वर्ड्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल उसका सेम वर्ड ही मिल जाएगा, है ना, आपका वो देखेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अब पेंसिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग, है ना, एकदम कंटेम्पलेटिव वाला, बैठ के सोच रहे हो आप उस चीज़ के बारे में, तो मतलब यू आर हैविंग दैट प्रोफाउंड इंटेंसिटी टू थिंक समथिंग, है ना, टू थिंक अबाउट समथिंग, राइट। और रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, रिलक्टेंट का मतलब आप लिख सकते हो अनविलिंग, अनविलिंग, ठीक है, इज इट क्लियर। सो जो ये वर्ड्स आपको मिल रहे हैं इनको प्लीज लिख लीजिएगा, आप देखोगे इस छोटे से सेशन में आपको अराउंड 50 वर्ड्स मिल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। यर्न का मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब होता है क्रेव फॉर, और इसके साथ में जो हमारा जो प्रेपोजिशन आएगा फोर, क्रेव फोर हो गया, ठीक है, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कन्फ्रंट करना किसी को, आप किसी का सामना करना, यू कैन से टू फेस समवन, टू फेस समवन बोल्डली, ओके। डिनाय का मतलब आपको पता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉम्पस, डिमांडिंग, फ्लैशी, प्रिटेंशियस या सपोर्टिव, प्रिटेंशियस, अब इसका मीनिंग पर देख लो क्या होता है, पॉम्पस का मतलब होता है टू शो ऑफ, टू शो ऑफ, ठीक है, इसके लिए वर्ड हो जाएगा पॉम्पस के लिए दिखावा करना, टू शो ऑफ, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, और फ्लैशी तो नहीं होने वाला, प्रिटेंशियस होगा, जो प्रिटेंड करेगा, ठीक है, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करने का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, और सपोर्टिव आपको पता है, डिमांडिंग नहीं होने वाला, और इसके लिए कोई और वर्ड, टू, एक और वर्ड याद रखिए,
काफी अच्छा वर्ड है मुझे शो ऑफ से. ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब होता है टू अवॉइड, ठीक है. ट्यूशन का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग. ओके सो ये था हमारा आज का सेशन. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा. और जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे करें आप इनको अपने नोट्स में मेंटेन करिए, इनके मीनिंग्स को, और साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको भी आप नोट करिए, ठीक है. बाकी पुराने सेशंस को रिवाइज करिए. एंड देखो रिवीजन इज द की. आप पढ़ते जाओगे रिवीजन नहीं करोगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, बिकॉज आप रिटेन नहीं कर पाओगे इस चीज़ को. ओके तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.